जी प्रणाम, ओम नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। नरसिंह बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। जी भाई, तो स्वामी जी मेरे एक तो टॉन्सल्स की बहुत प्रॉब्लम है। किसकी? टॉन्सल्स की, गले में मेरे को थायराइड, हाँ थायराइड है और टॉन्सल की प्रॉब्लम हो जाता है। टॉन्सिल के लिए सबसे अच्छा है त्रिकुटा चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण। त्रिकुटा या सौंठ पीपल काली मिर्च को त्रिकुटा कहते हैं अरविंद। त्रिकुटा और त्रिफला ये तो आम औषधि हैं, सबको पता होती थी पहले। त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा चूर्ण 20 ग्राम, दोनों का पाउडर कर लिया और इसको शहद के साथ चाट लें। बाकी स्वासारी क्वाथ और जो है गिलोय क्वाथ लगातार सेवन करने से टॉन्सिल परमानेंट ठीक हो जाता है। थोड़े कपाल भाती प्राणायाम उज्जाई ऐसे रोक करके करीब आधा मिनट रखना और फिर बाएं से बाहर छोड़ देना, पूरा 100% अच्छा हो जाता है। ठंडी चीज़ों से बचें। और दिल्ली वालों को तो पहले तो रखा करते थे, मैं देखता था कहीं कहीं सब्जी वाले बबूल की दातुन, बबूल की दातुन करके उसका जो छिलका है उसको चूसने से भी टॉन्सिल एकदम अच्छे हो जाते हैं। गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी सेंधा नमक, इसको इसका गरारा करने से भी टॉन्सिल में बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। तो कपालभाति उज्जाई करने से आपका टॉन्सिल भी अच्छा हो जाएगा और साथ साथ में थायराइड भी क्योर हो जाएगा।